दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र। जी हाँ, यही पहचान है भारत की, उस भारत की जिसने कई काल देखे, कई खंड देखे, चुनौतियों से सामना हुआ, मगर लोकतंत्र की जड़ें हर गुजरते वक्त के साथ और गहराती गईं, मजबूत होती गईं। दुनिया में कुल 193 देश हैं, इनमें से लगभग 110 देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं, और इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों में भी भारत का स्थान एक तरह से सर्वोपरि है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और परंपराएं कितनी विशाल और भव्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लगभग 800 संसद सदस्यों और लगभग 4,500 विधायकों के लिए चुनाव होते हैं। 3.25 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में वोटरों की कुल संख्या 91 करोड़ से भी ज्यादा है। लोकतंत्र की जब भी बात होती है तो 13वीं शताब्दी के मैग्ना कार्टा को लोग लोकतंत्र की बुनियाद मानते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा से बहुत पहले 10वीं शताब्दी में भी भारत में लोकतंत्र मौजूद था। इसका प्रमाण तमिलनाडु में चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर उथिरामेरूर नाम के गांव में मिलता है। 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के वक्त उथिरामेरूर गांव में पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है, यानी कि भारत में डेमोक्रेसी 1,000 साल पुरानी है। आज भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 3.25 लाख है, 6.5 लाख से भी अधिक गांव हैं। लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल कर ग्राम पंचायतें न सिर्फ कठिन से कठिन फैसले ले रही हैं, बल्कि लोगों को समाज की मुख्य धारा में भी जोड़ रही हैं। इतने बड़े देश का विशाल लोकतंत्र दुनिया में भारत को आगे रखने में, दुनिया को दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत जितना विशाल देश है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत हमारा लोकतांत्रिक ढांचा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। लोकतंत्र की इसी विशालता को हम देखेंगे पंचायतों में, परखेंगे कैसे लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल कर पंचायती राज सिस्टम के तहत गांव अपने लिए विकास की योजनाएं बना रहे हैं और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी फैसले खुद ही कर रहे हैं और बदलाव की एक नई कहानी लिख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका संसद टीवी पर। मैं हूं कवीन सचान। लोकतंत्र असल में गांवों में किस तरीके से पहुंचा और कैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का फायदा ग्रामीण भारत ने उठाया है, इसका जायजा लेने के लिए हम एक खास सीरीज के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे। और आज इसी कड़ी में हमारा पहला पड़ाव है तेलंगाना। तेलंगाना के सिद्दीपेट इलाके में हम देखेंगे पंचायतों की तस्वीर कैसी है, कैसे यहाँ के गांवों ने जो लोकतंत्र के जरिए उनको ताकत मिली, उसका फायदा उठाया, मजबूत हुए। ये है तेलंगाना में सिद्दीपेट जिले का इरकोट गांव। घरों वाले इस गांव की आबादी करीब 2,500 है। यूं तो आपको ये गांव दूसरे गांवों की तरह ही नजर आ रहा है, लेकिन पंचायत ने अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं को कुछ इस कदर लागू किया है कि पिछले कुछ वर्षों में न सिर्फ गांव की तस्वीर बदली है, बल्कि यहां के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर आगे बढ़ाया है।
साथ ही युवा नौनिहालों में आधुनिक शिक्षा के तौर तरीकों से भविष्य की बेहतर समझ पैदा करने की कोशिश की है। ये है इरकोट गांव का पंचायत घर, जहां पर आज मासिक बैठक चल रही है। ब्लॉक और जिले से आने वाली योजनाओं की जानकारी इसी तरह हर महीने गांव के लोगों को दी जाती है और गांव वालों से सुझाव और उनकी राय भी ली जाती है, ताकि किसी भी स्कीम को लचीला बनाकर उससे बेहतर नतीजे हासिल किए जा सके। असल में ये प्रयास लोगों की जिंदगी को आसान बना रहे हैं। వెలుగు గ్రామైక్య సంఘం మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఆజ్ ఇరికోట్ గావ్ మే వెలుగు సమూహ కి బైఠక్ చల్ రహీ హై. యే బైఠక్ హర్ మహీనే కి 9 తారీఖ్ కో హోతీ హై. అసల్ మే 10 సే 15 మహిళాఓ కో మిలాకర్ ఏక్ సమూహ హోతా హై, ఔర్ యే సమూహ కి జో సభీ మహిళాయే హై యే హర్ మహీనే థోడా థోడా పైసా జమా కర్తీ హై, ఔర్ ఫిర్ యే సమూహ अपने किसी एक सदस्य को जरूरत पड़ने पर उसे पैसा देता है, और इस पैसे से वो सदस्य अपना या अपने परिवार के लिए कोई काम करता है, बिजनेस करता है, या घरेलू जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। और इस पैसे के बदले में उन्हें बहुत ही कम ब्याज, करीब 1% या उससे कम ब्याज ही देना पड़ता है। लेकिन एक शर्त होती है कि वो इस पैसे को किसी और को आगे ब्याज पर नहीं दे सकती हैं। और महिलाएं जब पैसे लेती हैं, उसके बाद अपना काम करने के बाद उसे वापस कर देती हैं, और उस पैसे से जो मुनाफा उनके पास आता है उसे वो बैंक में जमा करती हैं, और इसके बाद कई बार बैंक इनके कामकाज और पैसे लौटाने के तरीकों को देखकर उन्हें और ज़्यादा लोन दे सकते हैं। प्लान చేసుకోవడం జరుగుతది. అదే విధంగా ఈ గ్రామంలో ఈ ఫస్ట్ వీవోలో ఒక 332 మంది మహిళా సభ్యురాలు ఉన్నారు. దీంట్లో ప్రతి నెలకొకసారి గ్రామంలో చిన్న సంఘ మీటింగ్ ఉంటుంది. ఒక నెలకొకసారి మీటింగ్ మంత్లీ మీటింగ్ అనేది 9వ డేట్ నాడు పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ మీటింగ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే గవర్నమెంటు పెట్టేటువంటి సంక్షేమ పథకాలు కానీ, ఇతర బ్యాంక్ లింకేజ్ కానీ, ఇతర పుస్తక నిర్వహణ గురించి కానీ, తర్వాత ఈ మధ్యలో మార్కెట్ ఇస్ తరహే ప్రయాసం కే బాద్ అబ్ ఇన్హే పైసే కే లియే యా అప్నా కామ్ శురూ కర్నే కే లియే కిసీ సాహుకార్ కే చక్కర్ నహీ లగానే పడతే, నహీ జ్యాదా బ్యాజ్ దేనా పడతా హై। हाँ, इस गांव में अलग अलग अगर समूहों की संख्या की बात करें तो करीब 332 महिलाएं सदस्य हैं अलग अलग समूहों में, और ये जो हर महीने मासिक बैठक होती है इसमें सभी समूह से जो उनके लीडर या प्रतिनिधि होते हैं वो शामिल होते हैं। और इस बैठक में हम सरकार की ओर से जो भी स्कीम योजनाएं आती हैं और उसमें जो सब्सिडी मिलती है उसकी जानकारी हम इन तमाम समूहों को देते हैं, ताकि ये उसका फायदा उठा सकें। और जो स्कीम ये लोग चला रहे होते हैं उसकी क्या स्थिति है, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और क्या नई ज़रूरतें या उसमें जो चुनौतियां या परेशानियां हैं उसकी जानकारी ये हमें देती हैं, ताकि हम वो बात ऊपर अधिकारियों तक पहुंचा सकें और इनकी ज़रूरतों के हिसाब से स्कीम को बदल सकें या उसमें और इनको सहूलियत दिला सकें। माँ ग्रुप स्वयं कृषि, हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप पिछले 20 साल से काम कर रहा है। मैं इस ग्रुप की अब लीडर हूँ। मैं पिछले 10 साल से इससे जुड़ी हूँ। हमारा ग्रुप सिलाई सहित दूसरे भी कई काम करता है। हम सब बोले तो पूरी तरह से अब आत्मनिर्भर हैं। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत 70,000 रुपए से हुई थी। तब बहुत परेशानी होती थी। अपने अपने घरों के सामान गिरवी रखकर हम लोग साहूकारों से लोन लेते थे। वो ब्याज के नाम पर बड़ी रकम की वसूली करता था। पैसे चुकाने में देर होने पर वो हमसे ठीक से व्यवहार भी नहीं करता था और रकम भी बढ़ा देता था। अब ग्राम पंचायत हमारी मदद कर रही है। ग्राम पंचायत की मदद से
हम लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। पंचायत ने हमें 10 लाख तक का लोन दिया है और ब्याज के भी काफी कम पैसे देने पड़ते हैं। 1 लाख रुपए घर बनाने के लिए थे, अब हर महीने 1,000 रुपए वापस करती हूँ। पंचायत के प्रयासों और सरकारी मदद से हमारा समूह अच्छा काम कर रहा है। पंचायत के प्रयासों और सरकार के सहयोग से गांव की महिलाएं घरेलू हुनर को अपनी आर्थिक ताकत के तौर पर बदल रही हैं। गांव में 58 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 700 से भी ज्यादा है। ये 5 महिलाओं का एक समूह है जो कुछ साल पहले तक काम और आमदनी की तलाश में दर दर भटकती थी, लेकिन आज वेज और नॉन वेज अचार इनकी नई पहचान है और अब ये दूसरी महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश कर रही हैं। మేము మటన్ పికిల్స్ చికెన్ పికిల్స్ నాన్ వెజ్ పికిల్స్ తయారు చేస్తాము. హమ్ ఇరికోడ్ మహిళా సమూహ సే జుడే హుయే హై. 9 సమూహ కి 9 మహిళాఓ నే 10 దిసంబర్ 2019 కో మిల్కర్ అచార్ బనానే కా కామ్ షురూ కియా థా. ఇస్కే లియే ప్రత్యేక్ సదస్యో నే 25,000 రూపాయే దియే థే. హమ్నే మిల్కర్ 2,25,000 రూపాయే జుటాయే థే. 2 లాఖ్ రూపాయే కా లోన్ హమే మండల్ స్తర్ పర్ మిలా థా और 1 లాఖ్ रुपए पंचायत ने हमें दिए थे। अचार बनाने के लिए हमें NRCM से फ्री ट्रेनिंग मिली थी और उन्होंने हमें करीब 1.5 लाख रुपए की मशीन भी दी थी। कामकाज के लिए ये जगह हमें फ्री में पंचायत से मिली है। पहले नॉनवेज अचार के लिए हमें कच्चा माल खुद तैयार करना पड़ता था, लेकिन अब हमने सिडिपेट में नॉनवेज बेचने वालों से करार कर लिया है, वो हमें कच्चा माल देते हैं। 1 किलो नॉनवेज अचार बनाने का खर्च करीब 850 रुपये आता है और हम बाजार में इसे 1,000 रुपये किलो में बेचते हैं। हमारे सामने अब मार्केटिंग एक बड़ी चुनौती है। हमें अगर सरकार ऑनलाइन और दूसरे बाजारों में ऑर्डर दिला दे तो हम बड़े से बड़े ऑर्डर को पूरा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोरोना ने जहां बड़ी आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचाया, तो गांव का ये समूह भी उससे अछूता नहीं रहा। अब एक बार फिर पूरी ताकत से इसे दोबारा बाजार हासिल करने की जिद्दोजहद और चुनौती है। कोरोना के चलते हमें पहले दिक्कत हुई, मांग में कमी आई और अब कोरोना कम होने के बाद हम फिर से बाजार तलाश रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास मेटापल्ली गांव में हुआ, जहां महिलाओं ने मिलकर दाल बनाने का काम शुरू किया। इनकी बनाई दाल की मांग अब जिले तक ही सीमित नहीं है, पड़ोसी जिलों और दूसरे राज्यों से भी दाल के ऑर्डर मिलने लगे हैं। हमारा फूड प्रोसेसिंग का ग्रुप है, इसका नाम JNG ग्रुप है। हम लोग कुल 15 लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं। मुख्य रूप से हम मूंग दाल और तूर दाल का काम करते हैं। खेतों से दाल खरीदकर उसकी स्प्लिटिंग और सफाई का काम होता है, फिर हम इसे पैक करके बाजार में बेचते हैं। हमने 10 लाख रुपए का लोन लेकर अपना काम शुरू किया था। बाद में मटेरियल खरीदने के लिए 20,000 रुपए हम सबने मिलकर भी लगाए थे। जरूरत पड़ने पर पंचायत ने भी मदद की थी। काम चल पड़ा तो फायदा होना भी शुरू हो गया। अब लोन के सिर्फ 3 लाख रुपए ही बचे हैं, बाकी के 7 लाख का कर्ज हमने चुका दिया है। दाल की मार्केटिंग के लिए सरकार ने भी हमारी मदद की है। एक और गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होने की राह पर बढ़ चली हैं, तो गांव के बच्चे भी अब नई तकनीक से पढ़ाई कर रहे हैं। ये इरकोट का जिला परिषद हाई स्कूल है, जो 6ठी से 10वीं तक है और तकनीक के दौर में गांव के बच्चे भी दुनिया के साथ कदम ताल कर सकें, इसके लिए कुछ साल पहले ही डिजिटल क्लास का सहारा लिया गया, जो आज न सिर्फ बच्चों बल्कि शिक्षकों की भी पहली पसंद बन चुका है। భారతదేశాన్ని 5 భౌగోళిక స్వరూపాలుగా రూపాల కింద వర్గీకరణ చేస్తుంది।
फर्स्ट दी कंप्यूटर सिस्टम्स ये लैब NIIT के सहयोग से बनी है और साथ ही 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मिली थी। हालांकि इसे बनाने के लिए कई निजी संस्थाओं और लोगों ने भी सहयोग किया, जिसके बाद जाकर ये लैब तैयार हुई। लैब बनने से तमाम जो विद्यार्थी हैं बहुत खुश हैं। 6ठी से लेकर 10वीं तक के सभी बच्चों को हर रोज़ इंटरनेट की सुविधा के साथ डिजिटल लैब में पढ़ने का मौका मिलता है। पहले ये सिर्फ 10वीं तक सीमित था, लेकिन हमने इसे अब 6ठी तक बढ़ाया और जो छात्र हैं वो पहले की तुलना में अब ज़्यादा मन लगाकर पढ़ते हैं और अलग अलग विषयों पर उनकी समझ पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है। मेरा अनुभव है कि लैब और इंटरनेट ने हमारे स्कूल में जो भी कठिन से कठिन विषय थे उनको अब बहुत ही आसान बना दिया है और ये बच्चों में नज़र भी आ रहा है। हालांकि इस स्कूल में बहुत सारी और सुविधाएं भी मिली हैं, क्योंकि रिकॉर्ड पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत है और इसीलिए तमाम सुविधाओं के चलते अब पहले से ज़्यादा सही तरीके से बच्चे पढ़ाई में ध्यान दे पा रहे हैं। JPHS रिकॉर्ड स्कूल में चौथुनानो ने पढ़ाओ तरीके चौथुनानो। पहले स्कूल में किताब से पढ़ाई होती थी और तब हमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था और जिसके चलते हमें पढ़ने में मन भी कम लगता था, लेकिन जब से ये डिजिटल क्लास और कंप्यूटर से पढ़ाई शुरू हुई है हमें अब बहुत अच्छा लगता है। अब सभी विषय हमें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं और मज़ा भी आता है। स्टार्टिंग में कंप्यूटर लैब जैसे कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर हमारे सरपंच साहब के हिसाब से यहाँ पर लैब बनाई दी गई और कक्षाओं में बोर्ड जैसे वो अच्छी तरह से बना दिया गया। यहाँ पे पढ़ाना हमारे लिए बहुत सुलभ हो गया है। यहाँ पर क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आए तो बच्चों को ले जाकर वहाँ भी हम एक्सप्लेन कर रहा है। यूट्यूब से तरह तरह के वो डाउनलोड करके बच्चों को समझा रहे हैं, इससे बच्चे ज़्यादा समझ ले रहा है। पहले किताब पढ़ने में कम समझ आता था, लेकिन अब इंटरनेट, पिक्चर और ग्राफिक्स के जरिए हम सभी विषय की पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं। अब हर कठिन से कठिन टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है। गांव में अभी भी कई परिवारों का सहारा दूध देने वाले जानवर हैं, लेकिन सिद्दीपेट जिले में कई पंचायतों ने जानवरों के लिए अलग से हॉस्टल की व्यवस्था की है। ये सुनने में भले ही थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन इससे न सिर्फ गांव साफ हुए हैं बल्कि जानवर पालने वाले परिवारों की दिन रात की कवायद भी कम हुई है, साथ ही उनकी आमदनी भी बढ़ी है। ఇక్కడ మొత్తం 94 పశువులు ఉన్నాయి 94 పశువులు ఈ హాస్టల్ పశువుల కే లియే బనాయా గయా హై ఔర్ ये हमने एक नया प्रयोग किया था और अब तक ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें कुल 94 पशुओं की रहने की अभी शुरुआती व्यवस्था हम लोगों ने की है। हालांकि अभी 29 परिवार जो जानवर पालने वाले हैं उन्होंने अपने जानवर यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर जो शेड और दूसरी सुविधाएं हैं वो हमने मुहैया कराई हैं और इसके लिए NREGS से 1 करोड़ रुपये और कुछ निजी कंपनियों का सहयोग भी मिला, जिन्होंने 2 करोड़ 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हमें दी है और जिसके चलते ये जो शेड हैं ये तैयार हो पाए हैं। यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था भी है और इसलिए पशुओं को बीमारी के वक्त डॉक्टर सही समय पर दवा और इलाज भी देते हैं। यजमानुललागा ये बर्लनु साधुकोनी मंची जीवनम कोनसागिस्तु। अब जानवरों को पालने के लिए पहले की तुलना में कम लोगों की जरूरत होती है, तो परिवार के दूसरे सदस्य सब्जी उगाने और बेचने के काम में लग गए। ये किसान है जो सुबह खेत से सब्जी लाकर अब बेचने के लिए दुकान जा रहे हैं। पहले इन्हें 20 किलोमीटर दूर कस्बे या शहर में जाना पड़ता था, लेकिन पंचायत ने सड़क किनारे सब्जी मंडी बनाकर दुकानें स्थानीय किसानों को दे दी, जिसकी वजह से
इन जैसे कई किसानों को अब हर रोज दूर शहर तक नहीं जाना पड़ता। बाजार पास में मिलता है तो आमदनी भी बढ़ती है और घर को समय भी दे पाते हैं। सर ना कि समाचार में मैं ये दुकान एक साल से चला रहा हूँ। इससे पहले मैं सब्जी बेचता था, लेकिन मुझे अपनी सब्जी बेचने के लिए यहाँ से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और जिसके लिए सुबह जल्दी हमें तैयार होना होता था और बस या ऑटो के ज़रिए हम दूर की मंडी तक अपनी सब्जी को ले जा पाते थे, जिसमें काफ़ी सारा वक्त और पैसा दोनों ख़राब होते थे। हमारी पंचायत ने एक अच्छा प्रयास किया और यहाँ पर सामूहिक बाज़ार इस रोड के किनारे शुरू किया, जिसमें हमें दुकानें दी हैं, और अब हमारे लिए आराम ये है कि हम गांव में ही ज़्यादा सब्जी बेच लेते हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि हमें दूर तक नहीं जाना पड़ता और यहीं पर हम बैठे बैठे ही सब्जी हर रोज़ बिक्री के बाद करीब 200-300 रुपए कमा लेते हैं। यहाँ दुकान बनने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। मैं बहुत बुज़ुर्ग हूँ और दूर सब्ज़ी लाने ले जाने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन यहाँ सब्ज़ी बाज़ार बनने से मुझ जैसी महिलाओं को बहुत फ़ायदा हुआ है। जहाँ पहले मैं 100 रुपये ही कमा पाती थी, अब हर रोज़ 300-400 रुपये कमा लेती हूँ। अब हमें सब्ज़ी बेचने दूर नहीं जाना पड़ता, ना ही आने जाने में समय खराब होता है। पंचायत के सहयोग से मिली दुकानों ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। मार्केट काटी तमी दया वाला ना बिकट इंटरनम मग संतोष में उन्नदी में हम कुटनम सर। अब गांव के इस बाजार में सब्जी बेचकर हर रोज 400 रुपए कमा लेती हूं। तो आपने देखा तेलंगाना के सिद्दीपेट इलाके की कुछ पंचायतों की तस्वीर, वहाँ पर चल रही योजनाएं किस तरीके से लोगों के जीवन को सुधार रही हैं, संवार रही हैं, कैसे नए नए आइडियाज यहाँ पर लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं, चाहे वो युवा हो या फिर महिलाएं। और यही लोकतंत्र है, जब सामूहिक तौर पर फैसले हो रहे हों और उसका फायदा पूरा समाज पूरा गाँव ले रहा हो, और तभी ये देश मजबूत हो रहा है। तो सिद्दीपेट के इस इलाके से आज बस इतना ही।